we are going to meditate upon the power of God's blessings. हम परमेश्वर की आशीष के सामर्थ पर मनन करने जा रहे हैं. I am going to ask my brother to read Deuteronomy 23 and verse 5. मैं भाई से अनुरोध करूंगा कि वे व्यवस्था विवरण 23 वचन 5 को पढ़ लें, जहां परमेश्वर के वचन में यो लिखा हुआ है, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था. Deuteronomy 23:5, one part says like this. व्यवस्था विवरण 23 वचन 5 का विचार यूं कहता है. The Lord your God turned the curse into a blessing for you. तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे लिए तेरे श्राप को आशीष में बदल दिया. Because the Lord your God loves you. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है. The Bible says in Deuteronomy 33 and verse 3. व्यवस्था विवरण 33:3 में बाइबल कहती है, God loves his people. परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है. Therefore, इसलिए, every curse that comes to us shall be turned into a blessing by him. हर एक श्राप जो हमारे जीवन में आता है उसके द्वारा हमारे लिए एक आशीष में बदल दिया जाएगा. John 16 and verse 20. योना 16 वचन 20 में. Jesus said, यीशु ने कहा, every one of your sorrow shall be turned into joy. तुम्हारा हर एक शोक आनंद में बदल जाएगा. My brother, मेरे भाई. My sister, मेरी बहन. Be of encouragement this evening. आज आप ढाढ़स बांधें. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. God loves you individually. परमेश्वर आप में से हर एक से प्रेम करता है. Every curse that would come upon you shall be turned into a blessing for you. हर एक श्राप जो आपके जीवन में आएंगे आपके लिए आशीष बन जाएंगी. If you read Nehemiah chapter 13 and verse 2. अगर आप नहमिया 13 और उसके वचन 2 को भी पढ़ें. The Bible tells us the same thing. बाइबल हमें यही चीज कहती है. God will turn your curse into a blessing. परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे श्राप को आशीष में बदल देगा. The Lord showed me person found in 1 Chronicles 4:9-10. परमेश्वर ने पहला इतिहास 4:9 में मुझे एक मनुष्य को दिखाया. This man's name is Jabez. और इस व्यक्ति का नाम है याबेस. Jabez means one who makes sorrow. याबेस का अर्थ होता है दुख देने वाला. One who makes pain. जो दुख देता है. His mother gave him this name Jabez. उसकी माँ ने उसे यह नाम दिया याबेस. Because she said, क्योंकि उसने कहा, I have given birth to this fellow with pain and sorrow. मैंने इस व्यक्ति को इस बच्चे को दुख के साथ पैदा किया है. Jabez was worried. याबेस जो था बड़ा परेशान था. When he grew up, जब वो बड़ा हुआ, he prayed this wonderful prayer. उसने यह अद्भुत प्रार्थना की. Lord God Almighty, हे सर्व सामर्थी परमेश्वर, you bless me indeed. तू मुझे सचमुच आशीष दे. Please bless me. मेहरबानी से मुझे आशीष दे. Enlarge my territory. मेरी सीमाओं को तू बढ़ा दे. Let your hand be with me. तेरा हाथ सदा मुझ पर बना रहे. Let your hand protect me from evil. तेरा हाथ मुझे बुराई से बचा रखे. So that evil will not hurt me anymore. ताकि बुराई कभी मुझे नाश न कर सके. And the Bible says. और बाइबल कहती है. God granted his request. परमेश्वर ने उसकी मांग पूरी की. He wanted to get rid of the curse of sorrow. वो दुख के श्राप से बाहर निकलना चाहता था. Curse of pain. दर्द के श्राप से बाहर. And God said yes. और परमेश्वर ने कहा हाँ. Tonight, आज रात. He will say the same yes to you. आपके लिए वो यहाँ हाँ कहेगा. When you cry tonight, जब आप उससे आज पुकारेंगे. Lord Jesus, प्रभु यीशु. I am full of sorrow. मैं दुख से भरा हुआ हूँ. Life is full of sorrow. मेरा जीवन दुख से भरा है. The curse of sorrow is following me. दुख का श्राप मेरे पीछे पड़ा है. Lord help me. प्रभु मेरी सहायता कर. Help me. सहायता कर. Instead you bless me. और मुझे बदले में आशीष दे. Bless me. आशीष दे. Bless me. आशीष दे. The great Jehovah will come. महान यहोवा आएगा. He will say yes. वो कहेगा हाँ. Yes. हाँ. I did the same thing to Jabez. मैंने याबेस के साथ यही किया. I'll do it for you. मैं तेरे लिए भी वही करूँगा. This is a blessed night for you. आज के लिए एक धन्य रात्रि है. Some time ago, कुछ समय पहले, I met an 18-year-old girl. मैं एक 18 वर्ष की लड़की से मिला. Very lovely person. बहुत ही प्यारी सी लड़की. She came with her auntie to see me. वो अपने आंटी के साथ मुझे देखने के लिए आई. She said, uncle. उसने कहा अंकल. I never celebrated my birthday. मैंने अपना बर्थडे कभी भी नहीं मनाया. I said, why? मैंने उससे पूछा क्यों बेटी. The day I was born, my mother died. क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन मेरी माँ मर गई. Gave birth to me and she died. उसने मुझे जन्म दिया और फिर वो मर गई. And my father looked at my face. मेरे पिता ने मेरे चेहरे को देखा. Oh, she looks like my wife. Oh, वो मेरी पत्नी की तरह दिखती है. Every time I will look into her face, I remember my dead wife. जब भी मैं इसके चेहरे को देखूंगा तो मैं अपने मृत पत्नी को स्मरण करूंगा. So I don't want to see this girl's face. इसलिए मैं इस लड़की के चेहरे को देखना नहीं चाहता. I don't want to have
anything to do with her. मैं इसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता. She is a cursed child. वो एक श्रापित बच्ची है. She took away my wife. उसने मेरी पत्नी को खा लिया. Take her away. इसलिए तुम उसे मेरे आंखों के सामने से दूर कर दो. Her auntie, her wife's unmarried sister took care of her. तब उसकी मौसी ने उसको गोद ले लिया. But every day she was teaching her about the love of God. लेकिन वो प्रतिदिन उसे परमेश्वर के प्रेम की शिक्षा देती. At the young age, she gave her heart to God. इसलिए अल्पायु में उसने अपना हृदय ईश्वर को दिया. Lord, you bless me. प्रभु जी तुम मुझे आशीष दे. I am a cursed girl. मैं एक श्रापित लड़की हूँ. I have no father. मेरे पास पिता नहीं. No mother. माँ नहीं है. You only bless me. तू मुझे आशीष दे. I am a cursed girl. मैं एक श्रापित लड़की हूँ. Please bless me. मेहरबानी से तू मुझे आशीष दे. Jesus began to bless her. और यीशु से आशीष देने लगा. She rose up in her studies. वो अपने अध्ययन में उन्नत होती गई. She became a great success in her studies. और अपने अध्ययन में उसने महान सफलता पाई. And she was going to become a doctor. और जल्दी ही वो एक डॉक्टर बनने वाली थी. God changed her curse into a blessing. परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीष में बदल दिया. Tonight he will do that for you. आज रात वो आपके लिए भी वही करेगा. Oh, he will do that for you. Oh, वो निश्चय आपके लिए वही करेगा. God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है. God is a God of love. परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है. And he wants to give you blessing instead of curse. और वो चाहता है कि वो आपको श्राप के बदले में आशीष दे. Here is a song sung by my great friend Father Berkman. मेरे प्रिय मित्र फादर बर्कमैन के द्वारा गाया हुआ यहाँ एक गीत है. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. मेरे कारण घायल हुआ मेरे पापों को उठा लिया. मेरे कारण घायल हुआ मेरे पापों को उठा लिया. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा. सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. 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 God is going to turn every one of your curses into a blessing. परमेश्वर आप में से हर एक के श्राप को आशीष में बदलने जा रहा है. Are you here with the load of sin? क्या आप यहाँ पाप के बोझ के साथ हैं? Are you addicted to many evil habits? क्या आप कई प्रकार की बुरी आदतों के आदि हैं? Are you running away because you have cheated people? इसलिए क्योंकि लोगों का आपने धोखा दिया कि आप भागते फिर रहे हैं? Tonight God's blessings will come. आज परमेश्वर की आशीष आएगी. He will say you are a prince with God. वो कहेगा तुम ईश्वर के साथ राजकुमार हो. You're a princess with God. तुम एक ईश्वर के साथ राजकुमारी हो. Cheer up tonight. इसलिए आप खुश हो. Every burden of sin will go. पाप का हर एक बोझ चला जाएगा. Every curse of sin has to go. पाप के हर एक श्राप को जाना होगा. Every one of you is going to be blessed. आप में से हर एक आशीषित होगा.